गत दिनों हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हमीरपुर दौरे के दौरान जिला कांग्रेस पर की गई टीका टिप्पणियों पर जिला कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। हमीरपुर में जिला कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता करके इस तरह की टीका टिप्पणियों की शिकायत करने का फैसला लिया है। पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि जल्द ही पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की इस तरह के संगठन के लिए की गई टिप्पणियों की लिखित शिकायत पार्टी हाईकमान से की जाएगी और मांग की जाएगी कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर कार्रवाई की जाए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खू के कार्यकाल के पूरे होने के बाद हमीरपुर में आकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के द्वारा भद्दी टीका टिप्पणियां करना निंदनीय है, जिसके चलते संगठन बुरी तरह से आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि संगठन के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रभारी रजनी पाटिल के पास पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की शिकायत की जाएगी। का जो 6 साल का कार्यकाल था, एक बेहतर कार्यकाल रहा और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने जिस तरह से आम लोगों को, आम जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, उनको जो मान सम्मान पूरे प्रदेश में दिया, उसे संगठन जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में एक मजबूती के साथ उभर कर सामने आया। परंतु हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हमीरपुर में आकर गुजो स्थान पर जिस तरह से वहां पर संगठन के ऊपर टिक्का टिप्पणी की गई और माननीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुरेंद्र सिंह सुक्खू जी के ऊपर टिक्का टिप्पणी की गई, साथ में ही जो पदाधिकारी हैं उनको का शव दिया गया और हाईकमान के को भी एक अपशब्द और अमरादित भाषा का प्रयोग किया गया, उससे आम जो कार्यकर्ता है उसको बहुत बड़ी आहत पहुंची है और इस चीज से कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ता का जो मनोरथ नीचे उतरा है। सुक्खू जी, जबकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था और उसमें वो अध्यक्ष पद पर नहीं थे और उनके खिलाफ हमीरपुर में आकर जिस तरह से टिप्पणी करना एक अशोभनीय और निंदनीय कार्य था। हम जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह जी, उनका मान सम्मान करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, परंतु इस तरह से टिक्का टिप्पणी करना और संगठन के ऊपर संगठन के कार्यकर्ताओं को प्रभार देना एक गलत असूली है। और इन सभी बातों को लेकर जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं माननीय हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राहुल गांधी जी और हिमाचल की जो प्रभारी श्री रजनी पाटिल जी, इन सभी बातों को उनके समक्ष रखी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी एक का कुलबा नहीं बल्कि विचारधारा से चलने वाला संगठन है और विचारधारा से ही संगठन को चलाया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष से कांग्रेस पार्टी नहीं चलती है, ये सभी प्रयासों से कांग्रेस पार्टी चलती है और ये जितनी भी हमीरपुर जिला में जिस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, इसकी शिकायत जो हाईकमान से की जाएगी। हमीरपुर जिला में पहली बार 36 वर्षों के कार्यकाल में जिस तरह से हम लोग हमीरपुर जिला में 3 सीटें जीते हैं, इससे ही पता चलता है कि हमीरपुर जिला के अंदर कांग्रेस जो इस मजबूती के साथ काम कर रहा था और ये जो 3 सीटें इतने सालों के बाद कांग्रेस की झोली में आई है, तो वो पूर्व अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुरेंद्र सिंह सुक्खू जी के सराहनीय प्रयासों से और संगठन के सराहनीय प्रयासों से है जो हम आज 3 सीटों पर हमीरपुर में जीत सुनिश्चित हुई है। तो जितने भी अपशब्द हाईकमान को लेकर, पूर्व अध्यक्ष ठाकुर सुरेंद्र सिंह सुक्खू जी को लेकर और जो गुहार की एक भाषा पदाधिकारियों के खिलाफ की गई है, इन सभी बातों को एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर हाईकमान को सौंपी जाएगी और इस बातों की जो शिकायत हाईकमान से की जाएगी। देखिये, अभी हाल ही में इस तरह से जो संगठन के ऊपर टिक्का टिप्पणी की जा रही है, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही कुछ पदाधिकारी इन्हीं टिक्का टिप्पणियों की वजह से आहत होकर बीजेपी में शामिल हो गए। हम इन्हीं बातों को लेकर, क्योंकि हमने संगठन को जोड़ा है, संगठन को आगे लेकर चलना है, तो इन सब बातों की टिक्का टिप्पणियों को लेकर ही हाईकमान से इसकी शिकायत की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस विचारधारा एक बहुत बड़ी विचारधारा, जिस पार्टी ने हमें इतना बड़ा मान सम्मान दिया, हमारा पूरा जीवन जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित है और पूरा जीवन हम कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहे। चुनाव के समय जो विधायक ने, वहां के विधायक हैं, उन्होंने जिनकी शिकायत की थी और जो उसमें दोषी पाए गए थे, उनके खिलाफ जो था अध्यक्ष ने कार्रवाई की थी। ऐसा नहीं है, पार्टी हाईकमान जो है जो मामलों को पहले देखती है, कमेटी गठित होती है, अनुशासन को लेकर एक कमेटी गठित होती है, उसके बाद ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि क्या वो गलत है या सही है।
पार्टी का संगठन वहां पिछले 6 साल वो तो वहां के जो विधायक है उनको चाहिए कि वो किस तरह से संगठन को अपने साथ लेकर सकते हैं। संगठन को देखिए, संगठन के जो व्यक्ति होते हैं वो मान सम्मान भूलते हैं। अगर उनको मान सम्मान देंगे तो संगठन का व्यक्ति तो उनके साथ चलेगा चलेगा, तो जब उनको मान सम्मान ही नहीं दिया जाएगा तो वो व्यक्ति कैसे चलेगा उनके साथ? आपको लगता है कि उनको जरूरत है पार्टी के संगठन की? देखिए, कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ना, जो हालात है उसमें लगता है आपको कि उनको जरूरत महसूस होती है? संगठन हावी है कि विधायक हावी है? वहां मैंने पहले ही कहा कि संगठन से ऊपर कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, और वहां के विधायक को चाहिए कि वो संगठन को अपने साथ लेकर चले, उनको मान सम्मान दे और उनको विश्वास में लेकर काम करे। देखिए, हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि चारों की चारों सीटें जो है हिमाचल प्रदेश में जीत कर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बने, और ये जो कुछ हो रहा है ये सारी की सारी बातें जो है वो हाईकमान के समक्ष हम उठाएंगे कि जिससे आने वाले कल में ऐसी बातें ना हों और पार्टी जो है मजबूती के साथ जो है अभी लोकसभा चुनाव में घुस जाएगी तो इसमें कुछ भी हो सकता है। देखिए, उनको भी बहुत लंबा एक संगठन का तजुर्बा है, और इससे पहले वो संगठन में रहे हैं और उन्होंने एमएसए से लेकर प्रदेश कांग्रेस का सफर तय किया है, तो हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में संगठन और मजबूती के साथ आगे आए और संगठन जो है और मजबूती के साथ। वैसे मैंने पहले भी कहा कि उस टिक्का टिकने से कार्यकर्ता आहत हुए हैं, पदाधिकारी आहत हुए हैं, और उन्होंने अपनी भावनाओं में जो थी वो आपके सामने जाहिर की थी कि इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, और उसी उन्हीं सभी बातों को लेकर ये जितनी भी टिक्का टिप्पणी हुई है और जो बयान दिए गए हैं उनको लेकर ही मैं हाईकमान के सामने पूरी की पूरी रिपोर्ट। अब वो पदाधिकारियों की अपनी भावनाएं हो सकती हैं, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि उन्होंने किस भावना में ये बात कही है। नेता प्रतिपक्ष है ये विक्रम जी इसी बात को बोल रहे हैं, बोला और रजनी पार्टी ने जो बोला था इसके ऊपर क्या हुआ? नेता प्रतिपक्ष को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने बोला टिप्पणी है, क्या वो अनुशासनहीनता है या नहीं, अब ये बताओ, बाकी लंबी चौड़ी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भावनाओं में बहकर अगर किसी ने ऐसे शब्द कहे हैं तो वो उनकी भावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमीरपुर में जिन शब्दों का प्रयोग किया है उससे हमीरपुर जिला के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी हैं वो काफी आहत हुए हैं। गौरतलब है कि 12 जनवरी को हमीरपुर के जगोह में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जिला कांग्रेस को कबाड़ बताया था और सुक्खू के खिलाफ बयानबाजी की थी और जिला संगठन के खिलाफ भी टिप्पणियां की थी, जिस पर अब कांग्रेस अध्यक्ष ने हाईकमान से शिकायत करने की बात कही है।